और जिस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है और जो मालूवा गांव की रहने वाली है और जो बेटी की टेस्टिमनी जे कि जे बताते हैं कि आज से 6 साल पहले इसको इसकी प्रॉब्लम जे थी कि इसको दौरे पड़ते थे, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी इसके जीवन में और जिससे इनकी फैमिली बहुत परेशान थी और परमेश्वर ने जैसे जिस संगति में आए इस प्रॉब्लम से इनको अच्छा किया। पर आज से कुछ 2 महीने पहले की बात है कि फिर से वही हालात इसके जीवन में आ गया और जैसे पहले कभी कभी अटैक होते थे और जो प्रार्थना करते थे और अच्छी हो जाती थी और जैसे 2 महीने पहले जो हालात फिर से इसके जीवन में आया और रात को जो बहुत ऐसे चीख चला रही थी और बहुत परेशान हो चुकी थी इनकी फैमिली। और जो बताते कि जैसे इन्होंने ऐसे प्रेयर टावर में कॉल की और बताया कि ऐसे हमारी बेटी की हालत बहुत ऐसे खराब है और आप ऐसे प्रभु के दास के साथ हमारी बात करवाई जाए। नो, गलत चीज नहीं, पहले प्रेयर करवाई गई। हाँ सुनो, पहले प्रार्थना की गई इनके लिए और उसके बाद जब जी अच्छी नहीं हुई प्रेयर से भी ये बेटी सही नहीं हुई तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझसे बात कराओ। बोलो, अगर विश्वास से उस प्रेयर को भी रिसीव करते तो परमेश्वर हील करता, अच्छा करता, पर उस प्रेयर को अच्छे से रिसीव नहीं किया, मन से नहीं लिया तो ये बेटी अच्छी नहीं हुई। फिर इन्होंने कुछ समय बाद रुककर कहा कि हमारी बात मुझसे कराओ। पर उस रात हुआ क्या कि गलती से उस दिन मेरा मोबाइल फोन गाड़ी में मैं भूल गया और ये बच्चे ये टीम मुझे कॉल करते रहे इनसे बात कराने के लिए और मेरी बात नहीं हुई और ये पूरी रात बहुत उस दिन पूरी रात ऐसे पूरा उस दौरे में उस दौरे की बीमारी के कारण ये पूरा चीख चहाड़ा बहुत लोग इकट्ठे हो गए और बहुत बुरी तरह से इनकी उस दिन रात गुजरी। हाँ और बताओ आगे अभी। और जैसे ही प्रेयर टावर में ऐसे कॉल की और प्रार्थना की गई उस समय जी अच्छी तो नहीं हुई और जैसे ही फिर से पापा जी को ऐसे कॉल की और उस दिन ऐसे पापा जी का जो फोन था वो गाड़ी में ऐसे रह गया था और जे बहुत सारे ऐसे परेशान थे और जैसे ही सुबह ऐसे इनके साथ बात हुई और इनका मन बहुत खराब हो गया था, बहुत उदास था क्योंकि पूरी रात इनकी बेटी ऐसी तकलीफ में थी जिसके कारण जे बहुत उदास थे और जे प्रभु के दास के साथ बात भी नहीं थे करना चाहते। और जैसे इनके साथ बात हुई और जे मीटिंग में आए और जैसे मीटिंग में आए और प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई और सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। और आपको कितना टाइम हुआ प्रभु में आई? सर जी उदोए 8 साल आदी ही सर जी, हम 14 साल चढ़ गया इनू तो उदो दे सर जी परमात्मा वेख। 8 साल और 8 6 6 साल। हां जी सर, लगभग इन्हें 6 साल हो गए प्रभु में आई। हां जी सुनो, और इनके आने का कारण क्या था? क्योंकि ये जब जी बेटी पैदा हुई थी है ना, शुरू से ही था ऐसे कि कुछ सालों के बाद हुआ। हाँ जी पापा जी, स्कूल जाती ही तो जदों 8 साल की यानी कि 13 पंजवीं पढ़ती ही तो उदो बाद इनू दौरा की प्रॉब्लम हो, दौरे की प्रॉब्लम होगी है ना। हाँ जी, तो शुरू से नहीं मतलब जब ये 8 साल की थी है ना। हाँ जी, तो तब इसे दौरे पड़ने की ये बीमारी मतलब हम जानते हैं ये किसकी ओर से होती है ना। हाँ जी, तो ये बीमारी इसके जीवन में आ गई और जिसके कारण हाँ गए होंगे इधर उधर काफी जगह पर किसी ने इन्हें बताया कि किसके पास जाओ आपका आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। हाँ, और 6 साल हो गए और 6 साल में परमेश्वर ने संभाल के रखा। क्या रखा? हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा सा हो जाता था। क्या हो जाता था? थोड़ा बहुत अगर हो जाए ये प्रेयर कराते थे तो क्या हो जाती थी? अच्छी हो जाती थी। और थोड़े दिन पहले वो ही जो इसे दौरा पड़ता था इसके ऊपर वो शैतानी अटैक इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये इतनी ऊंची ऊंची चीखे मार रही थी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? आसपास के जितने लोग थे सब इकट्ठे हो गए। क्या हो गया इनके घर में? क्या हो गया? और फिर इन्हें लोग बोलने लगे आपको तो इतने साल हो गए प्रभु में जाते हैं, लो जी क्या फायदा है। हा?
क्या है, क्या फायदा है। और इसको लेकर इनका मन प्रार्थना भी, टीम ने, बच्चों ने, जो टीम है हमारी, उन्होंने प्रेयर भी की, पर प्रेयर से भी ये अच्छी नहीं हुई और ये बहुत देर तक ऐसे और ये चाहते थे कि मेरे से बात हो जाए। और उस दिन क्या हुआ कि जैसे ये टीम हमारी कॉन्फ्रेंस से मेरी बात करा देती है, तो उस दिन मेरा फोन जो वो गाड़ी में ऐसे पड़ा पूरी रात, तो पता नहीं चला, ये बहुत परेशान थे ऐसे। तो उन सब बातों को लेकर इनका मन इतना अपसेट हो गया, इतना मन खराब हो गया। जब सुबह इनसे बात की, तो इनके पति से मैंने बात की, कोई विश नहीं, कोई जयमसी नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, हाँ पूछो ही को जनाब, बहुत बुरे हाल है, कोई जयमसी नहीं, कुछ नहीं। देखो वही बंदा जो इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतनी जैमसी, इतनी प्यार से बोलता है, जब हालात ने पूरा जैसे तूफान आया तो सारा कुछ क्या कर दिया तूफान ने, क्या कर दिया तूफान ने, हाँ लोग देख रहे हो कितना नुकसान हो गया। हाँ, और जब मैंने इनके पति से बात की, तो कोई जैमसी नहीं, कुछ नहीं, सारी रात सुते नहीं, बुरा हाल हो गया, ऐसी ना जानते वो ये वो, समझ नहीं, बड़ा ऐसे अजीब से। और फिर मैंने कहा ठीक है, आप अपनी पत्नी से बात कराओ, इनसे पूछो, ये यहां आज खड़े हैं। और मैंने कहा ठीक है, अपनी पत्नी से बात कराओ। और ये रो रहे थे और ये कहते मैंने नहीं बात करनी मुझसे, बोलो मतलब मेरे से बात करनी खेलो के परमेश्वर से करनी, मतलब मैं जैसे उसने कहा मैं मूसा का मुंह बनकर बोलता हूं, समझ रहे हो, मेरे से बात करनी मतलब परमेश्वर से करनी। हाँ, तो मैंने कहा बात कराओ, और ये रो ही जा रहे हैं, कहते नहीं मैंने नहीं करनी। और मुझे पता था कि ये सारा कुछ इनके मन को किसने ऐसे कर दिया। और मैंने उसी समय ऐसे प्रार्थना की कि परमेश्वर नहीं, ये तेरे लोग हैं, पर शैतान ने, उस हालात ने इन्हें ऐसा कर दिया। मैंने उसी समय प्रार्थना की, देखो मेरा विश्वास और आपका विश्वास, हाँ मैंने ऐसे नहीं किया ठीक है चलो नहीं है तो ना से। मैंने उसी समय प्रार्थना की, नहीं परमेश्वर इसके मन को अच्छा कर चुके हैं। और फिर इनसे इन्होंने मेरे से बात की और मैंने कुछ चीजों परमेश्वर के वचन से इन्हें समझाया और तब जाकर इनका मन अच्छा हो गया। क्या हो गया, और थोड़ी समय बाद सब कुछ अच्छा हो गया। कल मेरी बात हुई, फिर अगले दिन ये बहुत खुश, क्या है ये बहुत खुश। और कल की बात है कि कल ये मेरे से बात कर रहे थे और कहते थे कि ऐसे बच्ची के लिए प्रेयर प्रार्थना। और कल परमेश्वर ने 6 साल बाद इनके लिए एक ऐसा प्रोफिट वर्ड मेरे मुंह से दिया, ऐसा अपना वचन दिया, और कल परमेश्वर ने इसे अनॉइंट किया। अनॉइंट समझे, अनॉइंट समझे ना, अनॉइंट किया, अनॉइंट मतलब इसको अभिषेक कर दिया। और मैंने इसे कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कि आज के बाद ये प्रॉब्लम तेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और सुनो आगे, मैंने कहा आज से तू लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और तेरी प्रार्थना से लोग अच्छे होंगे, ये सच है। जिस शिष्य को प्रभु के दास के द्वारा उस दिन मीटिंग में अनॉइंट किया गया, तो आज ये बता रहे कि उस दिन से लेकर आज तक जिस सिस्टर उस प्रॉब्लम से टोटली फ्री हो चुके हैं। और सुनो, सुनो एक चीज सुनो, जब हालात किसी के ऊपर आता है तो शैतान आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, अभी ये आपने सुना है ना कि ये इस गुड़िया के पापा जी, ये मम्मा इनके, है ना, इनका मन शैतान ने कैसे पूरा डाइवर्ट, पूरा ऐसे कंट्रोल कर लिया। हाँ, पूरा मन खराब कर दिया इसका। हाँ, और इसकी मम्मा का भी, वो कहते मैंने बात ही नहीं करनी,
देखो शैतान कहां किस हद तक लोगों के मन को क्या कर देता है, खराब कर देता है, क्या कर देता है, समझ आती है? पर वो भला है परमेश्वर। हाँ देखो, चाहे उस समय इनका मन कैसा भी, मैंने फिर भी मुझे पता था, जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता जे जानते नहीं इन्हें माफ कर, क्या कर, जे जानते नहीं इन्हें माफ कर, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे उन, हाँ बुरी तरह से उसको बेइज्जत जिन्होंने किया, उनके लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रही है, हाँ कि इन्हें माफ कर पिता, ये जानते नहीं, क्या नहीं करते, जे जानते नहीं इन्हें माफ कर। और मैंने जरा सा भी अपने मन में ये नहीं कहा, हाँ कि नहीं है तो छोड़ो, मैंने उसी समय इनके लिए प्रार्थना की, और जब मेरी बात हुई तो देखो, हाँ उस दिन से लेकर और आज पूरे 2 महीने हो गए, हाँ और 2 महीने हो गए ये इसके पप्पा हैं इस बेटी के, समझ रहे हो, और ये पहले रोज ड्रिंक करते थे, क्या करते थे, और उस दिन से आज आपको कितना टाइम हुआ, हाँ आज पूरे 2 महीने हो गए ये बिना ड्रिंक किए सोते नहीं थे, हाँ बिना ड्रिंक किए इन्हें नींद आती नहीं, आज पूरे 2 महीने हो गए ये आजाद हैं पूरी तरह से, ये भी बोलो क्या है, ये भी आजाद हैं, 2 महीने हो गए पूरे, क्योंकि जब परमेश्वर किसी के लिए बोलता है क्या करता है, क्या करता है, तो एक को नहीं पूरे घराने को परमेश्वर चेंज कर देता है, एक को नहीं मैंने कहा घराने को चेंज करता है, और आज ये सारी फैमिली खुश है, बोलो क्या है, ये खुश है, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए अगर बोला तो आज ये पूरी तरह फ्री है, हाँ और जो शब्द परमेश्वर ने इसे अनॉइंट शब्द दिया, 86 साल पहले परमेश्वर ने कभी इसके लिए नहीं बोला, पर जैसे इसके पापा ने अपने मन को सही किया, हाँ मन को फिराया, और खुदा ने इसके लिए बोला, और आज 2 महीने हो गए और आपके सामने कोई ड्रिंक नहीं, कोई कुछ नहीं है, हाँ ये पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करो, ऊंचा तारीफ करो खुदा की, ऊंचा। ओके गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे।